हम सर आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे किया उसके बोलिए। बिल्कुल आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। हम आपको एक एग्जाम्पल देते, जहाँ पर खान सर की बात की जाए तो वहाँ तो माहौल ही अलग बन जाता है। जैसे ही खान सर की दिल्ली स्टेडियम में एंट्री हुई, वैसे ही चारों तरफ जो एनर्जेटिक माहौल बन गया। दरअसल बात यह है कि अगर आपको खान सर से कोई क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है तो आप क्या पूछेंगे, कमेंट करके बताएं। बाकी इनकी बात करते हैं, इनको तो वायरल होना था, जिस कारण इन्होंने तो खान सर का नाम ही पूछ लिया। चलिए, अगर इन्होंने इनका नाम पूछ ही लिया है तो आप खान सर का आंसर भी सुन लीजिए। खान सर ने अपने नाम पर क्या बोला और क्या नाम बताया। खान सर आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे किया उसके बोलिए। बिल्कुल आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। थोड़ा सा आपको हम अपने थोड़ा सा हिस्ट्री को ले जाते हैं, आप बिजनेसमैन है शायद इंटरेस्ट ना हो तो मैं थोड़ा सा तो जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुई, जनरल ओ नायर ने जनरल आ नायर को कहा कि गोली चला दी, उस चट्टे ने गोली चला दी। लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ नायर, गोली मारा गया उन निहत्तों की क्या गलती थी, न जाति नहीं की गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद 1919 की घटना है, 1940 में ऊधम सिंह भारत का वो वीर सिंहावर रहे, ऊधम सिंह जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के ऊधम सिंह ने छाती को गोली मार दिया। और जब ने पूछा था नाम क्या है, उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा गया मेरा नाम क्या है, राम मोहम्मद सिंह। आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है तो सुनिए,